Good morning, class. This is our new ENA physio class, in which today we will study about the second part of reproductive system, that is internal genitalia of female. भाई हमने अपनी पहली क्लास के अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट किया था, उसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अपन ने पढ़ना शुरू करा, जिसमें पहला पार्ट अपन ने एक्सटर्नल जिनाइटेलिया पढ़ा था. तो आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो है इनर जिनाइटेलिया, जिसमें वजाइना, यूट्रस, दो यूट्राइन ट्यूब्स और दो ओवेरीज आती हैं. सबसे पहले वजाइना, ये फाइब्रो मस्कुलर ट्यूब होती है जिस पे स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथीलियम की लाइनिंग पाई जाती है. वजाइना एक फाइब्रो मस्कुलर ट्यूब है जो कि स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथीलियम से लाइन रहती है. ये ऑब्लिकली रन होती है अपवर्ड और बैकवर्ड, 45 डिग्री का एंगल बनाती है. फ्रंट में ब्लैडर, रेक्टम और पीछे एनस के साथ में 45 डिग्री का एंगल बनाती है. फ्रंट में ब्लैडर और बिहाइंड में रेक्टम एनस के साथ में 45 डिग्री का एंगल बनाकर अपवर्ड बैकवर्ड ऑब्लिकली ये रन करती है. एडल्ट के अंदर इसकी एंटीरियर वॉल जो है वो लगभग 7.5 सेंटीमीटर लंबी होती है और पोस्टर वॉल इसकी 9 सेंटीमीटर लंबी होती है. डिफरेंस क्या है इस एंगल के इंसर्शन का, कि सर्विक्स में एंगल जो इंसर्ट हो रही है एंटीरियर वॉल के द्वारा, उसकी वजह से ये डिफरेंस पाया जा रहा होता है इसके एंटीरियर और पोस्टरल वॉल का, कि वो पोस्टरल वॉल 9 सेंटीमीटर लंबी है, एंटीरियर केवल 7.5 सेंटीमीटर लंबी है. तो ये डिफरेंस क्यों है, क्योंकि जो एंगल ऑफ इंसर्शन है इस सर्विक्स का एंटीरियर वॉल से, वो एंगल इसके ये डिफरेंस बनाता है इसकी लेंथ का. तो ये वजाइना जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथीलियम से लाइन रहती है. अब हाइमन एक थिन लेयर है म्यूकस मेम्ब्रेन की, जो कि पार्शली वेजाइना की ओपनिंग को ऑक्लूड किए रहती है. हाइमन एक थिन म्यूकस मेम्ब्रेन है जो कि वेजाइना की ओपनिंग को कवर किए हुए रहती है, छुपा करके रखती है, रोक करके रखती है, पार्शली रोके रखती है. नॉर्मली ये इनकम्प्लीट होती है ताकि मेंस्ट्रुअल फ्लो के लिए पैसेज मिल सके. भाई पूरी तरह से ढके हुए तो मेंस्ट्रुअल फ्लो कैसे निकलता. ये कम्प्लीटली स्ट्रेच्ड हो जाती है, फट जाती है, कट फट जाती है सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान, जब टैम्पन सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान, टैम्पन के इंसर्शन के दौरान और चाइल्ड बर्थ के दौरान ये पूरी तरह से वहाँ से हट जाती है, स्ट्रेच्ड हो जाती है. अब वेजाइना की स्ट्रक्चर, तो वेजाइनल वॉल की 3 लेयर्स होती है, आउटर, मिडल और इनर लेयर. आउटर जो है वो एरियोलर टिश्यू की कवरिंग होती है, मिडल लेयर स्मूद मसल की बनी होती है और इनर लाइनिंग जो अभी अभी हमने बोला स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथीलियम की, हमने पहले बोला ये भी वेजाइना के अंदर जो कि रिजेस बनाती है, जिसको अपन रगी भी कहते हैं. इसमें कोई सीक्रेटरी ग्लैंड नहीं होती पर इसकी सरफेस हमेशा मॉइस्ट रहती है सर्वाइकल सीक्रीशन की वजह से, प्यूबर्टी के दौरान और मीनोपॉज के दौरान. लैक्टोबेसिलस एसिडोफिलस बैक्टीरिया लैक्टिक एसिड का सिक्रीशन करता है, जो कि नॉर्मली प्रेजेंट रहता है इस एरिया में और इसकी पीएच को मेंटेन रखता है 4.9 से 3.5 तक. इस एसिडिक पीएच की ही वजह से वहाँ पे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं हो पाता, वजाइना में एंटर नहीं कर पाता, जो कि पेरिनियम से घुस जाए, कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान घुस भी जाए अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो वो वहाँ सर्वाइव नहीं कर पाता, क्योंकि वजाइना की पीएच जो होती है वो एसिडिक पीएच होती है. तो ये एसिडिक पीएच जो होती है वो बैक्टीरिया के ग्रोथ के लिए सूटेबल नहीं होती, तो इसका मतलब वो फीमेल को प्रोटेक्शन देने का काम कर रही है, यही लैक्टोबेसिलस एसिडोफिलस जो बैक्टीरिया है वो प्रोटेक्शन का काम करता है. अब वेजाइना की ब्लड सप्लाई, लिम्फ ड्रेन, नर्व सप्लाई देखिए भाई. सबसे पहला आर्टेरियल सप्लाई, तो आर्टेरियल प्लेक्सस बना होता है जो कि वेजाइना के चारों तरफ पाया जाता है. वेजाइना चारों तरफ एक आर्टेरियल प्लेक्स बनता है यूटेराइन और वेजाइनल आर्टरी के द्वारा, जो कि कहाँ से आता है, इंटरनल इलियक आर्टरी की ब्रांचेस होती हैं. तो इंटरनल इलियक आर्टरी की ब्रांचेस यूटेराइन वेजाइनल आर्टरी बनाती है, जिससे कि डिराइव्ड होता है और वो क्या बना रहा होता है, वेजाइना के चारों तरफ आर्टेरियल प्लेक्सस बना रहा होता है. वीनस ड्रेनेज जो है वो वीनस प्लेक्सस बनाता है, जो कि मस्कुलर वॉल में सिचुएटेड होता है और इंटरनल इलियक वेन में ड्रेन होता है. लास्ट लिम्फ ड्रेनेज जो कि डीप सुपरफिशियल इलियक ग्लैंड्स के थ्रू
लिम्फ ड्रेनेज जो है वो होता है, डीप सुपरफिशियल इलियक ग्लैंड के थ्रू लिम्फ ड्रेन होएगा, और इंटरनल इलियक वेन में वीनस ड्रेनेज होता है। सुपरफिशियल इलियक ग्लैंड में लिम्फ ड्रेनेज और इंटरनल इलियक वेन के अंदर वीनस ड्रेनेज होता है। अब वेजाइना का फंक्शंस देख लीजिए, वेजाइना का फंक्शन क्या है। वेजाइना रिसेप्टिकल होता है, इसमें जब सेक्सुअल इंटरकोर्स या जिसको आप कोइटस कहते हैं उसके दौरान पेनिस को रिसीव करने का काम जो है वेजाइना का होता है। ये एक इलास्टिक पैसेज वे बना देता है जिससे कि चाइल्ड बर्थ के दौरान बेबी भी इजीली पास होए। तो ये इलास्टिक पैसेज वे है, मतलब डायलेट हो जाता है ये इतना ज़्यादा कि बेबी आराम से बाहर पास आउट हो सके। तो इंटरकोर्स के दौरान ये पेनिस को रिसीव करता है और चाइल्ड बर्थ के दौरान बेबी के लिए पैसेज बनाता है। तो ये वेजाइना यहाँ पे कंप्लीट। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है यूट्रस। यूट्रस एक हॉलो मस्क्यूलर पियर शेप का ऑर्गन होता है जो कि पैल्विक कैविटी में एंटीरियो पोस्टीरियरली लोकेटेड रहता है। ये पैल्विक कैविटी में होता है यूरिनरी ब्लैडर रेक्टम के बीच में, पैल्विक कैविटी में यूरिनरी ब्लैडर रेक्टम के बीच में। 7.5 सेंटीमीटर लंबा होता है, 5 सेंटीमीटर चौड़ा होता है, इसकी वॉल 2.5 सेंटीमीटर थिक होती है। लगभग 30 से 40 ग्राम इसका वेट होता है यूट्रस का। अब यूट्रस के पार्ट्स देखिए, अगर अपन डिस्क्राइब इसको करें तो तीन अलग अलग इसके पार्ट होते हैं, फंडस, बॉडी और सर्विक्स। फंडस ऊपर का पार्ट है, डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि यूट्राइन ट्यूब यहाँ फंडस वाले पार्ट के पास में दिखाई गई है। फंडस ऊपर का पार्ट है, साइड में दोनों यूट्राइन ट्यूब दिखाई गई है, और ये फंडस से लेकर ये नीचे तक का पार्ट, ये पूरी बॉडी और नीचे सर्विक्स का पार्ट है, और उसके वो सर्विक्स कहाँ खुल रहा है, वेजाइना में। तो फंडस एक डोम शेप का पार्ट होता है यूट्रस का, जो कि यूट्राइन ट्यूब के की ओपनिंग के ऊपर, अबव द ओपनिंग ऑफ द यूट्राइन ट्यूब, यूट्राइन ट्यूब की ओपनिंग के ऊपर दिखाया गया है। दूसरा बॉडी मेन पार्ट होता है, ये नैरोवेस्ट होता है, इन्फीरियरली इंटरनल ओएस में खुलता है और आगे कंटिन्यू करता हुआ ये सर्विक्स में जाता है। सर्विक्स यूट्रस की नेक होती है जो कि वेजाइना में एंटरल वॉल के थ्रू खुलती है, ओपनिंग इनटू इट एट द एक्सटर्नल ओएस, और एक्सटर्नल ओएस से ये वेजाइना के अंदर एंटरल वॉल से खुल रही है। तो फंडस, बॉडी और सर्विक्स ये यूट्रस के पार्ट हैं। तो हमने अपनी इस इंटरनल जेनिटेलिया वाली क्लास के अंदर क्या चीज़ पढ़ी, हम लोगों ने वेजाइना और यूट्रस नाम का टॉपिक जो है वो पढ़ लिया है। तो पार्टली हमने इंटरनल जेनिटेलिया कवर कर लिया। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर इसका जो हाफ पार्ट है वो नेक्स्ट क्लास के अंदर कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है बच्चों, ओवरी वगैरह के पार्ट हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। तो थैंक यू।